हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ कबीर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कबीर पहला स्पॉट। गाइस, अगर आप लोग मेरा ये वीडियो फेसबुक पेज में देख रहे हो देन वेलकम टू माय फेसबुक पेज कबीर पहला स्पॉट। गाइस, अभी हम लोग मतलब यहां से निकल जाने के लिए तैयार रेडी हो रहे हैं। बाइक को ऑलरेडी कोल्ड स्टार्ट दे दिया और लास्ट ईयर का जो व्यू है ना इस रिजॉर्ट का और इस गेस्ट हाउस का व्यू, वो व्यू अभी स्टार्ट आप लोग को का साथ में शेयर कर रहा हूँ। सुबह का नज़ारा अभी हो गया, सुबह का लगभग 6:15 जैसा होगा और देखिए यहाँ पे सनराइज़ होगा क्योंकि सभी को मालूम है अरुणाचल में फास्ट सनराइज होता है। तो यहाँ का सुबह का जो व्यू है ना वो भी काफ़ी सुंदर व्यू है। और हम लोग जहाँ पे रुके थे ना यही है, वो मतलब रिजॉर्ट बोले या रेस्टोरेंट बोले या कुछ भी बोले, गेस्ट हाउस बोले, सब कुछ यही है। और बाहर का भी व्यू दिखाता हूँ जो काफ़ी माइंड ब्लोइंग सा व्यू है सुबह का व्यू। और थोड़ा बाद में व्यू दिखाऊंगा क्योंकि तब जगह ना उस पहाड़ में जब सनलाइट गिरेगा ना और भी अच्छा लगता है। और इन और ये दोनों राजहंस बोला जाता है बंगाली में, हिंदी में क्या एक चीज़ मुझे मालूम नहीं, हंस बोला जाता है शायद। तो अभी मैं चाय पीऊँगा, चाय पी के यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएंगे क्योंकि बहुत दूर जाना है और ऑफ रोडिंग भी तमाम ऑफ रोडिंग है, काफ़ी ऑफ रोडिंग है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को यहाँ का मतलब अलविदा कहने का टाइम आ गया, मतलब हम लोग का सब सामान हो गया। हम लोग का जो बैग है ना यहाँ से मतलब एक डेली गाड़ी जाता है जो सामान लेके जाता है ना, उस गाड़ी में हम लोग का बैग दे दिया, वो गाड़ी में बैग चला जाएगा तो हम लोग थोड़ा फ्री हो जाएगा। फ्री होने के बाद हम लोग अभी यहाँ से निकल जाएंगे, हम लोग का मतलब और कुछ टेंशन नहीं है। नहीं तो वो जो पीछे में जो 80 किलो का बैग होता है ना वही सबसे सरदर्द रहा, तो वो सेटल हो गया उसका। अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। आज हम लोग का साथ मतलब यहाँ से विजयनगर से म्याओ तक जो इस होटल का जो केयरटेकर है वो भी जाएंगे, वो मतलब गाड़ी में जाएंगे, वो बाइक सामान वहाँ पे हम लोग दे दिया और हम मैं और विशाल चला जाएंगे बाइक में। तो ये था विजयनगर का अपडेट। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलता है, बाइक भी कोल्ड स्टार्ट हो गया, थोड़ा देर पहले आप लोग देखे ही थे बाइक को कोल्ड स्टार्ट दे दिया था। और व्यू था ये है कुछ व्यू विजयनगर का लास्ट व्यू, मतलब जितना भी दिखाओ ना मेरा मन नहीं भरता है, मतलब इतना खूबसूरत है यहाँ का व्यू। तो यहाँ से अभी हम लोग निकलते हैं। फ्रेंड्स, अभी क्या हो गया, विशाल का एक मतलब हालत पूरा ही ख़राब हो गया। हम लोग एक जगह पर भी रुका है, मतलब इतना ठंड है ना उसका क्या हो ना, कल में जो वाटर क्रॉसिंग में उसका जो जूता था ना पूरा गीला हो गया था, मोजा भी गीला हो गया, मोजा साइलेंसर का पैक को पड़ दे दिया। और इतना देर अभी मतलब कम से कम 1 घंटा जैसा वो बाइक चला रहा था ना तो उसका पैर ना अपना सुन पड़ गया, मतलब वो डर रहा था कि पैर में कुछ हो जाए। मैं भी देख रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ख़राब हालत है उसका। मेरा जूता सूखा जूता है फिर भी मुझे ठंड लगेगा, उसका तो गीला जूता है कितना ठंड लगेगा। तो ये यहाँ और यहाँ का जो व्यू है यही है वो व्यू जो काफ़ी सुंदर व्यू है। अभी यहाँ से फिर हम लोग निकल जाएंगे, निकल के आगे जाके फिर जगह और कुछ थोड़ा रेस्ट करेंगे। गाइस, हम लोग उसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम लोग कल को गिरे थे बाइक लेके, बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है सस्ते थे। यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा कीचड़ है कि बाइक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्किप कर रहा है ना पीछे तक का।
करना पड़ा। और ये एक लैंडस्लाइड पॉइंट भी है, ये सब मिट्टी सब लैंडस्लाइड की वजह से हुआ है। तो गाइस 50 किलोमीटर क्रॉस करने का बाद अभी हम लोग मतलब एक स्पॉट पे आके पहुँचे और वहाँ पे अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। 50 किलोमीटर ऑफ रोडिंग बहुत बड़ा बात है। और अभी हम लोग कुछ मतलब मैगी जो लेके आए ना, वो मैगी अभी खाएंगे यहाँ पे। ये रहा ये है मैगी जो हम लोग को बना के दिया था वहाँ से, मतलब हम लोग ब्रेकफास्ट वहाँ से लेके आ गए। तो यहाँ से थोड़ा खा मतलब कुछ ब्रेकफास्ट करके फिर निकल जाएंगे। निकल जाने के बाद दोपहर में तो खाना नहीं होगा क्योंकि बीच में जंगल है, कुछ भी नहीं है खाने का। तो यही खा के पूरा गोटा दिन बाइक चलाना पड़ेगा। म्याओ जब पहुँचते पहुँचते लगभग 4-5 तो बज ही जाएगा। अभी थोड़ा बाद जो फुल्ली टाइगर रिजर्व आ जाएगा, और थोड़ा बाद ही आएगा, एक एक दो घंटा बाद आ जाएगा टाइगर रिजर्व। उसको भी क्रॉस करना, उसको क्रॉस करना सबसे चैलेंजिंग बात हो जाता है। तो फिर आप लोग का साथ मुलाकात होंगे नेक्स्ट, जहाँ पे हम लोग रेस्ट करेंगे वहाँ पर। फ्रेंड्स यहाँ का रोड का कंडीशन इतना ख़राब है, इतना ख़राब है, अभी तक 3 बार गिर चुका हूँ बाइक का। मतलब क्या मतलब सारा बाइक ख़त्म हो गया, गियर काम नहीं कर रहा ठीक से, लुकिंग ग्लास टूट गया, उसका बाद कैसे कैसे साउंड आ रहे, चेंज पॉकेट भी गया होगा, मतलब क्या बोलूँ, एकदम तो हालत पूरा ख़राब हो गया बाइक का। और अपना तो बता के मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, जब मतलब बाइक गिरता ना पीछे में इतना ज़ोर से चोट लगता ना ब्रेक में को टालने में। आज तो मतलब फिर भी अच्छा हुआ बैग हम लोग गाड़ी को दे दिया, गाड़ी में दे दिया। अगर बैग लेके आता रहा तो हो ही जाता रहा इस रोड पर। रोड काफ़ी डेंजरस है, बट एक बात है जो मतलब प्योरली एडवेंचर करना चाहते ना, विजयनगर बेस्ट। मैं तो मुझे जितना मालूम है विजयनगर का जैसा इतना ऑफ रोड डेंजरस रोड है, साइड में खाई होता है पहाड़ का बीच में, वो है वो सारा बहुत रोड है, बट इतना ऑफ रोड जो मतलब कीचड़ ही कीचड़, पूरा रोड में कीचड़, और कीचड़ में जो पीछे का चक्का है ना इतना स्लिप करता है, इसलिए अगर एडवेंचर लवर को तो विजयनगर बेस्ट। गाइस मतलब ये सब व्यू हम लोग को आने का टाइम में नहीं मिला, क्योंकि ये सब मतलब जो ये सब व्यू पॉइंट है ना, हम लोग रात में जाने मतलब रात में क्रॉस किया, इसीलिए मुझे ये व्यू पॉइंट देख के इतना अच्छा लगा ना,
मतलब क्या बोलूँ, इतना खूबसूरत व्यू है। तो गाइस कल व्यू पॉइंट में मतलब हम लोग रुकने का बाद वहाँ से और कहीं पे रुका नहीं, डायरेक्ट चला आया क्योंकि रात वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया रहा और हम लोग को मुझे मतलब घर आते आते कब लगभग रात का 10 साढ़े 10 बज गया, इसलिए और मैंने वीडियो शूट नहीं किया। तो आज सुबह उठ के मैं आप लोग के साथ बात कर रहा हूँ। तो मैं आप लोग को वीडियो विजयनगर का जो सीरीज़ में जो जो वीडियो दिखाया और जो जो इन्फॉर्मेशन दिया, अगर आप लोग को अच्छा लगा, अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, देन प्लीज़ काइंडली मेरा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरा ये वीडियो फेसबुक पेज में देख रहे हो, देन काइंडली मेरे इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो मैं तो अपना तरफ से 100% दिया विजयनगर को दिखाने के लिए, विजयनगर को एक्सप्लोर करने के लिए और विजयनगर का इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बाकी तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग को अच्छा लगा है क्या नहीं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ काइंडली एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मेरा जो नेक्स्ट ट्रिप आएगा उसका भी वीडियो आप लोग वॉच करते रहिएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बाय, जय हिंद।